Welcome to the newspaper analysis where we discuss the Hindu paper on a daily basis at 11, right? Oh, great, great. Yeah, Vakuf, I remember you. Kaise ho? Kaisa raha aapka paper? Did you attend, give the paper today? Aapne aaj paper diya tha? नहीं दिया था. ओके ओके यार सौम्या, मैंने सोचा था बट एक्चुअली क्या है ना, मेरे को आज अभी हेडेक हो रहा है. आई एम हैविंग सीवियर हेडेक टुडे. मैंने कहा चलो आज रहने देते हैं. आफ्टर दिस सेशन विल टेक विल कल से कंटिन्यू करेंगे तो आई विल अनाउंस दैट. ठीक ना यार, इंटरनेट तो सही है मेरे ख्याल से. गाइज कैन यू हेयर मी एंड सी मी प्रॉपरली? कैन यू हेयर मी सी मी प्रॉपरली? Okay, cool. Chali, theek hai. So guys, this is a little bit about myself. I've been teaching on an academy since the last 4.5 years and I've done my BTech from IIT Patna and appeared for the mains examination thrice. You can follow me on an academy and follow karke you can get the various updates of my courses. Right. So, and by the way guys, the latest update, right? The latest update is that Chennai Super Kings has won. Yay! Thala. थाला चिन्ना थाला बड़ा थाला और थाला हैज वन फाइनली द चेन्नई हैज. अरे बड़े और बुरी तरह से हारा है. इनफैक्ट 10 विकेट से वॉटसन फैफ 10 विकेट से. हुर्रे. एक्चुअली क्या है ना, सी मेरे को आई लाइक धोनी, नो डाउट अबाउट इट, बट थोड़ा सा मेरे को ना अंडर डॉग्स जो होते हैं उनसे थोड़ा एक होता है ना, जैसे एक दिल का वो रहता है. ठीक है ना, क्या कहते हैं दिल का. तो मेरे को आरसीबी भी पसंद है एंड आई लाइक चेन्नई आल्सो, क्योंकि आरसीबी लास्ट आ रहे इतने सालों से, तो एक वो वाला एक है कि आरसीबी जीतना चाहिए. और धोनी को क्योंकि लोग इतना बुरा बोलते हैं तो आई लाइक टू सपोर्ट हिम आल्सो. चलिए, सहानुभूति है, करेक्ट. एंड बाय द वे गाइस, एनी वन ऑफ यू प्लानिंग टू जॉइन अनअकैडमी प्लस, यू कैन यूज द रेफरल कोड VCSIR फॉर गेटिंग अ 10% डिस्काउंट. गाइज कल ही नए कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, न्यू बैचेस स्टार्टिंग टुमारो. ठीक है ना, न्यू बैचेस बिगिनिंग टुमारो. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड देन उसके बाद यू नो आई टॉक अबाउट दी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स फॉर टुमारो. ठीक है ना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाईवे टनल ओपन इन हिमाचल प्रदेश. कौन सा हाईवे है ये? ये दीपांशु सर ने भी आपको पढ़ाया होगा, अटल टनल. डजंट इट साउंड की जैसे कि अटल टनल, बड़ा राइमिंग सा फील करता है ना. सो मनाली टू लेह को इसने रास्ता कम कर दिया है, राइट. एंड पीएम सेज अटल टनल विल स्ट्रेंथन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बाकी कोई खामखा नहीं है. ये लगभग 9.02 किलोमीटर लॉन्ग टनल है, बिल्ड बाय ब्रो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल. ठीक ना, इसने आपका काफ़ी आपका डिस्टेंस को कम कर दिया. इनफैक्ट जो 3-4 घंटे लगते थे वो शायद आपका आधे घंटे के अंदर यू कैन ट्रैवल इन दिस, यू नो, इन दिस पर्टिकुलर. सो वही जो आपका 4-5 आवर्स को उसने कम कर दिया डिस्टेंस बिटवीन ले एंड मनाली ओवरऑल. ठीक है ना, सो दिस इज काफ़ी इंपॉर्टेंट. एंड ये कौन से पास के ऊपर है, दैट इज इंपॉर्टेंट. आपका अटल टनल किस पास के ऊपर है? इट्स ऑन रोहतांग पास. यस, रोहतांग पास, राइट, इट्स ऑन रोहतांग पास. बाय द वे गाइज, अब आपको रियलाइज हो गया होगा जितने लोग, अच्छा बाय द वे कितने लोग हैं जो आज अटेंड करें क्लास आफ्टर प्रिलिम्स, मतलब इन द सेंस प्रिलिम्स देने के बाद, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग आ नहीं रहे थे क्लास में. मैनी ऑफ यू वर नॉट अटेंडिंग द क्लास सिंस द लास्ट वन, सो कम ही आए हैं. सो आई वुड एक्सपेक्ट पीपल टू कम बैक टू द क्लासेज ऑफ न्यूज़पेपर एनालिसिस सून. आप लोग को हम यू नो, तो आपके अगर कोई मित्रगण हैं जो नहीं आए उनको बोलिए कि सर क्लास फिर से ले रहे हैं, क्योंकि मेन्स के लिए भी आपको करंट अफेयर्स चाहिए, तो एकदम शुरू हो जाना चाहिए आप लोगों को करंट अफेयर्स फॉर मींस नाउ. ठीक है ना, ओके. अटल टनल जो है, अब देखिए लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाए हैं. ठीक है ना, ओके. कौन कौन से आए थे आज? सियाचिन ग्लेशियर पे आया, राइट, सियाचिन ग्लेशियर पे आया था. फिर मेकोंग रिवर के ऊपर आया, राइट. उसके बाद अच्छा कितने, अच्छा सी बहुत लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जो आज पेपर में आए वो हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में पढ़ा है. Not many, like obviously I can't say that 100%, but substantial number of questions. जैसे आपको MP Lads याद होगा, you remember, हम मैंने बोला था MP Lads के बारे में क्लास में, कि हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था, वही एग्जैक्ट चीजें आई. याद है
कि एमपी लाइट्स रोल ओवर होता है कि नहीं होता है, राइट, एमपी लाइट्स रोल ओवर होता है कि नहीं होता है, इस टाइप की चीजें जो थी, वही क्वेश्चंस आपके घूम फिर के आ जाते हैं। अच्छा एक सवाल और आप लोग ने शायद, हाँ यस, कावेरी रिवर नेशनल पार्क, कावेरी रिवर नेशनल पार्क याद है आप लोग को, हमने डिस्कस किया था कि, और उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट थी, एलिमिनेशन, पापीकोंडा कहाँ पे था याद है? पापीकोंडा वॉज इन न्यूज, पापीकोंडा वॉज इन न्यूज, और वो आंध्र प्रदेश में, इट इज नॉट इन दैट रीजन। इतना ही सिंपल सा पता होना चाहिए, पापीकोंडा इज एन एपी, एलिमिनेट एंड गेट द राइट आंसर, बाकी सब थे। एक क्वेश्चन था जो हमने कल डिस्कस किया था, किसी को कोई बता सकता है? परसों, डे बिफोर यस्टरडे वी डिस्कस वन क्वेश्चन इन इन आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस क्लास, उसके ऊपर सवाल आया था, बताओ कौन सा सवाल था, कोई बता सकता है? एनी वन हु कैन थिंक अबाउट इट, याद आया? एमएसएफ, किसी को याद है हमने डिस्कस किया था एमएसएफ? एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, नहीं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, डू रिमेंबर? डे बिफोर यस्टरडे वी हैड डिस्कस दैट, मैं पूरा डिस्कस किया था एमएसएफ क्या होता है, जब एसएलआर से या एसएलआर के अंदर से आपके बॉन्ड्स को काट करके हमको लोन लेना पड़ता है रेपो रेट के से ज्यादा रेट पे, राइट? तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें डिस्कस किए थे, तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया था, ठीक है ना? बट ये था कि डेफिनेटली सी, ऑब्वियसली दोज क्वेश्चंस वर इजी आ गए आपके, आप लोगों ने पढ़ा भी था, बट पेपर पेपर वाज डिफिकल्ट, कुछ क्वेश्चन या वो 1884 के ऊपर कुछ रैंडम, मतलब हिस्ट्री सवाल ऐसे थे जो मतलब मैंने सुने ही नहीं कभी, आई वुड टेल, मैंने नहीं सुने वो क्वेश्चन, मैंने वो इवेंट ही नहीं सुना है, वो मैंने वो किताब और वो इंसान का नाम ही नहीं सुना है जिनने वो किताब लिखी है। क्या सवाल थे आज, कुछ तो मजेदार ही सवाल है, लाइक वाह क्या पूछा है। चलिए नंदे, लेट्स लेट्स कम बैक। सीरो प्रिविलेंस जंप्स फ्रॉम 2% टू 27% पुलवामा, व्हाट इज सीरो प्रिविलेंस? अभिनव, जो ये क्लास होती है हमारी, इस क्लास की जो पीपीटी होती है इज अवेलेबल टू यू आफ्टर द क्लास एंड्स, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो यहीं से, कोर्स पेज से ही, सेशन पेज से डाउनलोड कर सकते हो एवरी डे, ठीक है? तो सीरो प्रिविलेंस क्या होता है बता दो, फिर से बात कर लेते हैं। सीरोलॉजी टेस्ट इज बेसिकली अ टेस्ट वेयर इन वी आप देखते हो कि एंटीबॉडीज बॉडी में है कि नहीं है, राइट? अच्छा वो भी आ गया था यार, आज एकदम से क्योंकि पेपर देखा है ना, तो बहुत सारी चीज रिलेट हो रही है। कॉन्वर्सेलेंट प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर एक सवाल आया था, राइट? वो भी हमने मतलब ऑब्वियसली इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था, बट अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता तो यू यू कैन गेस द आंसर उसमें, एलिमिनेट वगैरह करके, राइट? सो आईसीएमआर सर्वे डेटा सजेस्ट ग्रोइंग वायरस स्प्रेड इन द वैली, सो बेसिकली पुलवामा वैली के अंदर ये देखा जा रहा है कि आपके बढ़ रहा है केसेस ऑफ कोविड, एंड इट्स बीइंग सीन दैट सीरोलॉजी सर्वे के थ्रू निकल के आ रहा है कि एंटीबॉडीज लोगों में बढ़ रही है, विच शोज दैट मे बी दी वायरस इज स्प्रेडिंग, कॉन्टैक्ट ज्यादा हो रहा है यार। अच्छा बाय द वे गाइस, आई एम रियली सॉरी अगर बीच बीच में हम आज के पेपर के बारे में डिस्कस करने लग जाएं, बट कुछ कुछ चीजें ऐसी मेरे को दिमाग में आती है, तो आई वुड जस्ट लाइक टू टॉक अबाउट इट, ठीक है? आज अगर आज का पेपर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो इट्स ओके, राइट? कल से नॉर्मली करेंगे। बट एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जितने लोग ने आज, अच्छा आज वैसे इसमें कम लोग हैं तो बता नहीं सकते, बट जितने लोगों ने देखा था आज आपके सेंटर पे, आपने नोटिस किया था कि 24 पीपल वर देयर इन अ क्लास, दैट वाज रॉन्ग आई थिंक, मेरे को जितने मुझे अपने एक दो लोगों ने बताया था कि देवर कि दिल्ली में हुआ ऐसा बताया था, कुछ ने लखनऊ में बताया, दैट 24 पीपल वर इन द क्लासरूम, सो आई एम जस्ट कंफर्मिंग, वॉज दैट द केस एट योर प्लेस? मतलब इन द सेंस दैट 24 का अरेंजमेंट अब आए नहीं है वो अलग बात है, बट 24 पीपल तो दैट आई थिंक शुडेंट हैपन, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया था कि इट शुड बी 6 फीट डिस्टेंस, तो यार 2-2 फीट 3-3 फीट डिस्टेंस में अगर आप लोगों को बैठा रहे हो तो दैट आई थिंक इज इनकरेक्ट। ये आ सकता है आपका किसमें, एथिक्स एंड इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन आ सकता है, यू आर टू कंडक्ट एन एग्जामिनेशन, यू आर टू कंडक्ट एन एग्जामिनेशन एंड यू आर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, वॉट अरेंजमेंट वुड यू मेक एंड हाउ वुड यू गो अबाउट इट, ऐसे सवाल आ सकते हैं। सो जो जो आपने गलतियां देखी हैं, अगर आपने पेपर देखा है, तो बी रेडी टू रेप्लीकेट द सेम इन द आंसर, ठीक है ना? चलिए, सो पुलवामा का ये चलो हो चुका है, नेक्स्ट इज डॉक्टर्स इंटेंसिफाई प्रोटेस्ट इन केरला, सर खुद मिसमैनेज करके खुद पे क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, मतलब हाँ नहीं क्यों नहीं कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन तो बन ही सकता है, बट द थिंग इज ना कि बहुत बहुत जगहों पे लोकल लेवल पे भी मिसमैनेजमेंट होता है, क्वेश्चन तो आ ही सकता है, ठीक है?
अगला है डॉक्टर्स इंटेंसिव. अब ये थोड़ा पूछेंगे कि व्हाट रॉन्ग डिड गवर्नमेंट डू या व्हाट रॉन्ग डिड यूपीएससी डू, ये थोड़ा पूछेंगे सवाल, केस स्टडी बनेगी. अब केस स्टडी तो रैंडम भी हो सकती है ना. डॉक्टर्स इंटेंसिव प्रोटेस्ट इन केरला. सो केरला के कुछ आपके जो मेडिकल स्टाफ है उनको फायर कर दिया गया था बेस्ड ऑन सर्टेन आपके जो मेडिकल नेग्लिजेंस के ब्लेम के ऊपर, एंड देयर फोर दे हैव नाउ स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट. डॉक्टर्स कह रहे हैं कि नहीं ऐसे फायर नहीं होना चाहिए था, वी आर कोविड वॉरियर्स एंड थिंग्स लाइक दैट. ठीक है, सो दे हैव सेड दैट गवर्नमेंट इज चूजिंग टू इग्नोर द ग्राउंड रियलिटी ऑफ अक्यूट ह्यूमन रिसोर्स शॉर्टेज इन दी मेडिकल हॉस्पिटल्स. ठीक है, नेक्स्ट. एक्सटिंक्ट ट्री फाउंड आफ्टर 180 ईयर्स इन कोलम ग्रोव. दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है ना. एक आपका वेस्टर्न घाट्स में है, सो उसका नाम है मधुका डिस्प्लोस्टेमोन. गाइस आपको किसी ने किसी कभी किसी ने बोल रखा होगा कि ऐसे ऐसे सवाल नहीं आते हैं, तो आज इस बार का पेपर देख लो. क्या सवाल थे आपको याद है, कौन से रेड नेक्ड और ये नेक्ड और वो नेक्ड, ये एम्फीबियन है कि बर्ड है कि ये है. ठीक है, तो भैया आपसे ऐसे सवाल भी बड़े ही पर्टिकुलरिस्टिक सवाल एनवायरमेंट से पूछे गए हैं. तो मधुका डिप्लोस्टेमोन पूछ सकते हैं. दे कैन गिव यू स्टेटमेंट लाइक दिस इज अ काइंड ऑफ अ बी, मधुका से आ जाएगा. दिस इज अ काइंड ऑफ अ बर्ड, दिस इज अ टाइप ऑफ अ ट्री, राइट. इस टाइप से सवाल आ सकते हैं. ठीक है, सो मधुका डिप्लोस्टेमोन इट्स अ थ्रेटन स्पीशीज ऑफ वेस्टर्न घाट. इट वॉज लास्ट स्पॉटेड इन 1835. कैन यू इमेजिन, या ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग ही है. ठीक है ना. सो अ ट्री स्पीशीज लॉन्ग बिलीव एक्सटिंक्ट हैज बीन रीडिस्कवर्ड आफ्टर अ गैप ऑफ मोर देन 180 ईयर्स फ्रॉम द सेक्रेड ग्रूव इन कोलम डिस्ट्रिक्ट. अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग टर्म दो चीजें हैं, एक तो कोलम डिस्ट्रिक्ट है, दूसरा है सेक्रेड ग्रूव. ये क्या होता है, व्हाट्स द सेक्रेड ग्रूव, कोई बता सकता है, व्हाट व्हाट डज सेक्रेड ग्रूव मीन. सेक्रेड ग्रूव रिलीजन से एसोसिएटेड है, नॉट एग्जैक्टली रिलीजन. सीक्रेट गार्डन तो नहीं होता है, बेसिकली व्हाट इट मींस इज ट्राइब्स में होता है जनरली. जनरली ट्राइब्स क्या कहते हैं, अरे ये पेड़ नहीं काटना है, ये पेड़ काटने का नहीं है, ये अपना पेड़ है क्योंकि ये भगवान का पेड़ है. ठीक है ना, बिल्कुल. यस, प्लेस ऑफ वर्शिप इन फॉरेस्ट एंड ट्राइब. तो भगवान भगवान के नाम पे, ठीक है ना, भगवान के नाम पे पेड़ को बचा लेते हैं. सो बेसिकली रिलीजन कम्स इन बिटवीन टू सेव गार्ड द फॉरेस्ट. ठीक है ना, सो होली प्लेस अराउंड फॉरेस्ट में भी नहीं, नॉट एग्जैक्टली होली प्लेस, बट वो पेड़ की पूजा करते हैं, समझ लो. इट्स नॉट लाइक कि वो कोई पेड़ पे पेड़ पेड़ के बीच में उन्हें मंदिर बना दिया है. मतलब वो भी हो सकता है, दैट कुड ऑल्सो बी देयर, बट दे बिलीव इन द आइडिया दैट दिस दिस ट्री इज द गॉड. ठीक है, ट्री इज द गॉड. ठीक है ना, सो उनको कहते हैं सेक्रेट ग्रूव. सो वहां पे आपका साइंटिस्ट है जवाहरलाल नेहरू, ट्रॉपिकल बॉटेनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, राइट. उन्होंने ये ट्री आपका मधुका डिप्लोस्टेमोन, राइट, जो थ्रेटन स्पीशीज है उसको आइडेंटिफाई किया है. ठीक है ना. नेक्स्ट इज वेरी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम्यूटर्स गो आफ्टर बाईसाइकिल्स. ठीक है, साइकिल रिपेयर शॉप्स ऑल्सो सी राइज इन नंबर ऑफ कस्टमर्स. सो बस ये पता होना चाहिए दैट हम्बल साइकिल हैज बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर अमंग पीपल. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हेजिटेंट है एंड मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड दी कार्स. जो कार वार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट, बट उनको थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ट्रैवल करना है, राइट. सो नॉट ओनली आर द रिटेलर्स रिपोर्टिंग अ सर्ज इन बाइसाइकिल सेल्स, बट वॉट ऑल्सो वी आर सींग इज दैट रिपेयर शॉप्स, राइट, आर ऑल्सो सींग एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल ब्रिंगिंग इन देयर ओल्ड बाइसाइकिल्स फॉर एन ओवरहॉल. तो पुरानी गाड़ी साइकिल्स लोग अपना रिपेयर करा रहे हैं सो दैट दे कैन ट्रैवल. जस्ट यू शुड नो, राइट, दैट सेल्स वगैरह में लगभग 300-300% का इंक्रीज आपका दिखाया जा रहा है कुछ कुछ जगहों पे. नेक्स्ट इज फिशिंग गैंग प्लेड एंड ऑन सिंपथी फॉर पुलिस ऑफिशियल. फिशिंग क्या होता है गाइस, व्हाट इज फिशिंग, मछली पकड़ना. डज फिशिंग मीन मछली पकड़ना, नो. ठीक है, सो फिशिंग बेसिकली इज हाँ स्पैम मैसेजेस वगैरह होते हैं जिसमें आप क्लिक बेट टाइप का करो, क्लिक बेट टाइप का, इन द सेंस कि भैया जैसे अरे पाइए पाइए यूपीएससी की की, और क्लिक करते ही आपका लैपटॉप हैक हो जाए. ठीक है ना, ओके. इसको कहते हैं फिशिंग. ठीक है, आपको आपको एसएमएस आएगा,
अरे अभी अभी दबाइए 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 अभी इस पे, ये की मिलेगी फ्री में, की मिलेगी एकदम बेस्ट की, यूपीएससी की ऑफिशियल की। अरे आ गई यूपीएससी ऑफिशियल की आ गई, या फिर अभी 1 करोड़ जीती, 1 करोड़ जीती, 1 करोड़ जीती, आ दबा दोगे फिर आएगा उप्स, ठीक है सर। या हाँ, या लॉटरी लॉटरी लॉटरी, ठीक है ना। सो ये है आपका राइट। तो इसको फिशिंग कहते हैं। तो ये आपके फ्रॉड काफी हो रहे हैं ई कॉमर्स पे, फेसबुक वेसबुक पे भी हो रहा है काफी, और स्पेशली आपके पुलिस ऑफिसर्स लोग, यू नो, ऐसे पुलिस ऑफिसर्स के भेष में आकर के भी लोग ऐसा कर रहे हैं, ये ना। नेक्स्ट इज यूएस नेवीज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट रिफ्यूज इन पोर्ट ब्लेयर। दिस इज अ बिग थिंग, दिस इज द फर्स्ट टाइम अ USP-8A हैज गॉट एक्सेस टू द आइलैंड्स। ये कैसे, ये क्यों हुआ है, व्हाई व्हाई इज दिस पॉसिबल, हाउ इज दिस पॉसिबल। लेमोवा, अरे यस, क्या बात है, वाकिफ, हम आपकी बात से बिल्कुल वाकिफ हैं, बिल्कुल सही बात है। ये आपका लेमोवा ना, लेमोया जो है, दैट इज द एग्रीमेंट बिटवीन यूएस एंड इंडिया, यूएस एंड इंडिया के बीच में लेमोवा जो है, दैट हैज क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर इम्पिटस, जिसमें लॉजिस्टिक एक्सचेंज हो सकता है। इनफैक्ट लॉजिस्टिक एक्सचेंज क्या मतलब यूएस के साथ है, डू वी हैव लॉजिस्टिक एक्सचेंज ओनली विद द यूएस, आंसर इज नो राइट। हमारा लॉजिस्टिक एक्सचेंज अभी रिसेंटली फ्रांस के साथ भी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो गया है, जापान के साथ भी है, इट्स मेनी कंट्रीज वी हैव हैड नाउ द लॉजिस्टिक एक्सचेंज, ठीक है। ऑलराइट देन, सो P8 वाज इन पोर्ट ब्लेयर। सो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है ये तो पता ही होगा आपको, पोर्ट ब्लेयर इज इन अंडमान, बिल्कुल अंडमान में है राइट। ये कॉर्पैट नाम सुना आप लोग ने, कॉर्पैट ये किस कंट्री के साथ होता है, एनी आइडिया, विद विच कंट्री डू वी हैव कॉर्पैट, कॉर्पैट कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, कॉर्पैट कॉर्पैट है ना। एक तो अभी जो जिसकी बात हो रही है दैट इज विद बांग्लादेश, इज दैट क्लियर, बट याद रखिएगा कि कॉर्पैट इज विद टू कंट्रीज, एक आपके इंडोनेशिया के साथ भी है, इज दैट क्लियर, तो ये कंफ्यूजन नहीं हो जाए। तो बोथ कंट्रीज के साथ वी आर द सेम नाम की एक्सरसाइज, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पैट, बांग्लादेश एंड योर इंडोनेशिया, इज दैट क्लियर, ये याद रहेगा। एंड इसके अलावा एक एक्सरसाइज बोंगो सागर, ना बोंगो सागर यार, ऐसे नाम का तो यार किसके साथ हो सकता है, मतलब इसमें तो आई डोंट थिंक देयर इज अ डिफिकल्टी टू रिमेम्बर ऑल्सो, बोंगो सागर, ये सुंदरबन मोइत्रे राइट, ये सब आपके बांग्लादेश के साथ ही हो सकते हैं, ठीक है ना। हम बंगाली टर्म आ गया तो बांग्लादेश हो गया, बिल्कुल राइट। यूएस, यूएस के साथ हमारे को एक्सरसाइज उसका नाम है पासेक्स, ठीक है, पासेक्स, पासेक्स स्टैंड्स फॉर पैसेज एक्सरसाइज राइट। ये भी आपका जुलाई में हुई थी, ठीक है ना, मतलब सॉरी जुलाई में होनी थी बट आपका उसको पोस्टपोन कर दिया गया था, ठीक है ना। चलिए लेमुआ तो हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं, व्हाट इज लेमुआ। नेक्स्ट इज मोरेटोरियम लोन्स अप टू 2 करोड़ में गेट रिलीफ। गाइस आपको एक चीज रियलाइज हो गई होगी, अगर आप लोगों ने इस बार पेपर दिया है या फिर आपने इस बार का पेपर देखा है, वन थिंग यू वुड हैव रियलाइज बाय नाउ इज दैट बेसिक से बहुत क्वेश्चन आए थे, करंट अफेयर्स वर क्वेश्चन देयर, बट सिंस द लास्ट 3 ईयर्स इनफैक्ट यूपीएससी हैज बीन फोकसिंग अलॉट ऑन बेसिक्स, तो बेसिक्स को जो ना काफी अच्छे से करने की जरूरत है, क्योंकि आप करंट अफेयर्स चलो मान लो नहीं भी करे आपने ढंग से राइट, आप बेसिक्स यार एनसीईआरटी भी नहीं है, इनफैक्ट इट्स नॉट आल्सो एनसीईआरटी, मेनी ऑफ द क्वेश्चंस वर हिस्ट्री क्वेश्चन, तो एनसीईआरटी का पूरा कोर्स पढ़ाया मैंने, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो पता नहीं कहाँ से पूछे गए थे, वो तो इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन का तो अता पता ही नहीं है कि ये ऐसे हिस्ट्री में इवेंट हुआ भी था, ये इंसान के नाम एग्जिस्ट भी करते थे। मुझे तो लगता है बहुत बार यूपीएससी बस अवेयरनेस फैलाने के लिए कर देता है कि अच्छा नहीं पता पता कर लो मुझे लगता है, अच्छा तुमको नहीं पता था इसके बारे में, ओके कोई बात नहीं, अब आप पता चल गया ना, ठीक हम अब आर आर ठीक है। सी द थिंग इज शिवम, इन क्वेश्चंस के लिए ना आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि क्या 200 में से 200 नंबर मिलते हैं क्या, नहीं मिलते ना। द थिंग इज जो आपके वो क्वेश्चंस हैं उनके अलावा जो क्वेश्चन है उसमें जो गलती करते हो उससे आपका सिलेक्शन नहीं होता है,
राइट, सो देयर विल बी 10 सच क्वेश्चन एवरी ईयर, 10 क्वेश्चन ऐसे हमेशा होंगे जो किसी को पल्ले नहीं पड़ रहे होंगे, बट उसमें वो टेंशन इसलिए नहीं लेना क्योंकि किसी को नहीं पता, ठीक है ना, किसी को नहीं पता। अब जैसे वो एग्रीकल्चर वाले सवाल हैं, हो सकते हैं एक दो उसमें एग्रीकल्चर वाले सवाल बहुत डिफिकल्ट हैं, तो ठीक है जिनके एग्रीकल्चर ऑप्शनल था उनने बस कर लिया होगा ना, तो चिल है, बाकी क्वेश्चन फोकस करो, ठीक है ना। बट द मेन फोकस ऑफ द थिंग इज दैट योर द लर्निंग, द आज की स्टोरी ये थी, नेवर लीव आउट एनी सब्जेक्ट, ये रियलाइज कर लिया ना आपने मिडिवल हिस्ट्री से देखो, राइट। अच्छा कितने लोग यहाँ पे जिसने मेरा हिस्ट्री कोर्स पढ़ा है, बाय द वे हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड माय हिस्ट्री कोर्स, हैं कुछ लोग हिस्ट्री कोर्स पढ़ा है, सो वंशिका दीक्षा आपको वो क्वेश्चन याद है, अगर आपने देखा है पल्लवास, पालाज, प्रतिहाराज, राजा भोज, याद आया, तो अगर आपने पढ़ा था तो यू कुड हैव गॉट अ टाइमलाइन इजिली, वो टाइमलाइन आसानी से बन जाती, बट अगर आपने टाइमलाइन नहीं पढ़ी है, अगर आपने से एनसीईआरटी से ऐसे रैंडमली पढ़ने कोशिश की तो वो टाइमलाइन पता ही नहीं होगी आपको, राइट। चोलास वो टाइमलाइन आपको बस ऐसे पता चल जाना चाहिए था कि पल्लवास जो थे वो एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना, पाला प्रतिहाराज एंड चोलास मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो ये वाला सबसे पहले होना चाहिए था। फिर दो ही ऑप्शन बचते थे, उसमें ये पता चल गया कि चोला बाद वाले ही थे, ठीक है ना, एंड पालाज एंड प्रतिहाराज में एक पूछा गया था पालाज फाउंड कब हुआ है और प्रतिहाराज का एक राजा भोज, सॉरी पालाज के प्रतिहार पालाज के नहीं एक हाँ प्रतिहाराज के राजा भोज कब आए थे, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता था, बट अगर आपने क्लास हमारी अटेंड करी थी तो राजा भोज बाद में ही आते हैं, वो लेटर में आते हैं, तो उससे आप यू कुड हैव गेस्ट। तो इसीलिए देख रहे हो ना कि बेसिक से मिडिवल हिस्ट्री से ऐसे सवाल पूछ लिया आपसे, राइट, एंड आपका दिमाग घूम गया, अरे ये तो एकदम ही पैटर्न बदल गया। सो वही है कि नेवर नेवर यू नो थिंक दैट कोई पैटर्न एग्जिस्ट भी करता है। चलिए हाँ वही एनसीईआरटी तो बहुत कंफ्यूजिंग है, उसमें क्रोनोलॉजी नहीं समझ में आती। चलिए मोरेटोरियम लोन्स अप टू 2 करोड़ में गेट रिलीफ। अच्छा एक और क्वेश्चन ऐसे याद आ गया मेरे को, अब मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है, आप लोग को एक याद होगा, एक कौन सा सवाल था, गांधी इरविन पैक्ट, इजी था कि नहीं था, अगर आपने हमारी क्लास अटेंड करी थी तो याद है वो एक प्रेजेंटेशन एक स्लाइड था जिसमें गांधी इरविन पैक्ट के रिजल्ट्स थे, बस उसी के वही एग्जैक्ट पॉइंट्स दे देते हमने, दे हैड गिवन द एग्जैक्ट सेम पॉइंट्स, तो वो ईजी हो गया था एकदम। चलिए गुड, सो इट्स गुड टू सी दैट यू नो हम लोग की क्लासेस नॉट ओनली माय मतलब ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस तो आए होंगे बट अदर एजुकेटर्स के भी क्लासेस मिला जुला के, आई होप यू गाइज वर एबल टू सॉल्व सम ऑफ द यू नो क्वेश्चंस इजीली। दे गेट क्वेश्चन फ्रॉम रिसोर्स, पता है आपको मैं इनफैक्ट बताऊं, माय डैड सॉ द पेपर, माय डैड यू नो सॉ द पेपर एंड ही वॉज लाइक कि आपके क्या कहते हैं ये जो होता है ये जो डेटा वगैरह है कुछ कुछ चीज़ों के बारे में कि भाई ये ज़्यादा है कि ये कम है, ये उनके इंटरनल फाइल्स में होते हैं, दीज डेटा आर अवेलेबल इन द इंटरनल फाइल्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड योर यू नो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट्स, भाई ये तो हमको वहाँ पता होता है, ये तुम लोगों से कैसे पूछ ले, मैंने कहा बताओ ये बच्चों से पूछा जा रहा है क्या कर सकते ऑफिस डेस्क की चीजें निकाली हुई चीजें पूछी गई हैं, तो अब कुछ नहीं कर सकते उसका। अब आप देखिए उसमें क्या होता है ना, कुछ चीजें इंटेलिजेंट गेस लगाने के लिए होते हैं, कुछ चीजें इंटेलिजेंट गेस लगाने के लिए पूछे जाते हैं आपसे कि अच्छा आप कितना टैक्टफुली आंसर कर सकते हो डेटा ही लिखते हैं इन द सेंस, जैसे कि अब ऐसे अब वो है रावी इंक्रीज हुआ खरीफ डिक्रीज हुआ, अब ऐसे ब्लेटेंट स्टेटमेंट आप एलिमिनेट करके इफ यू कैन गेट द आंसर और नॉट, यही है दे आर जस्ट टेस्टिंग कि रटने के अलावा कैन यू गेस ऑल्सो इंटेलिजेंटली, दैट इज वॉट दे आर टेस्टिंग। चलिए सो द सेंटर हैज इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट दैट इट विल कंटिन्यू टू हैंड होल्ड स्मॉल एंड वल्नरेबल बोरोवर्स एंड ये चलो फाइनली एक अच्छा हो गया राइट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है जो था आपका अक्यूमुलेट हो रहा था जो नॉन रीपेमेंट की वजह से दैट हैज बीन वेव्ड ऑफ, इज दैट क्लियर, सो वेव ऑफ राइट आपका नॉट हैज बीन वेव्ड इज नाउ इन फाइनल स्टेजेस ऑफ गेटिंग वेव्ड ऑफ, ठीक है ना, तो 6 मंथ का मोरिटोरियम की वजह से जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट आपका होता वो शायद वेव ऑफ कर दे सरकार आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट्स यू नो आपका क्वेश्चन टू देम कि भाई आप वेव ऑफ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, लेट अस होप दैट दे डू सो, सो दैट इट विल बी अ रिलीफ टू द वेरियस एमएसएमई सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर लोन्स, हाउसिंग सेक्टर लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स वगैरह, ठीक है ना।
राइट बाय द वे विवेकानंद, आपका जो वो है क्या कहते हैं सब्सक्रिप्शन की प्राइस यार अभी कोई पता नहीं है, यू नो अनअकैडमी हैज नॉट इवन टोल्ड द एजुकेटर्स राइट नाउ दैट व्हेन इट्स गोना इंक्रीज, बट दे हैव जस्ट टोल्ड अस टू इन्फॉर्म यू गाइस दैट इट्स गोना इंक्रीज वेरी सून। अभी आप वेरी सून कभी भी हो सकता है, तो अगर आप ज्वाइन करने वाले हो तो प्लीज क्विकली ज्वाइन कर लीजिए, यू कैन यूज द रेफरल कोड BCSIR फॉर ज्वाइनिंग ऑल्सो, ठीक है ना। कूल, वॉट हैपन्स टू दोज़ हु कंटिन्यू पे देयर EMIs? तो उसमें कुछ होगा ही नहीं, आपने पे कर दिया ना, तो आपको कंपाउंड हो रहा है और आपका कुछ कोई नॉर्मली जो पे कर रहे हो पे कर ही सकते हैं। नेक्स्ट, इंडिया साउथ अफ्रीका मूव WTO ऑन COVID-19 प्रिवेंशन एंड केयर, ठीक है यार ये वाला मुद्दा इसको भी बाद में करते हैं, रुकिए। इंडिया बैक्स एन वेपन एबॉलिशन, व्हाट आर एन वेपन्स, क्या होते हैं एन वेपन्स? न्यूक्लियर वेपन्स करेक्ट। सो इंडिया ऑन सैटरडे रिएटरेटेड दैट न्यूक्लियर वेपन शुड बी अबॉलिश्ड इन अ स्टेप बाय स्टेप नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रोसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यार हम तो NPT साइन नहीं करते हैं, वी आर नॉट साइन NPT, सो डू वी बेसिकली डू वी वॉन्ट द वर्ल्ड टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि हमने NPT तो साइन नहीं किया है, व्हाट डू यू थिंक? आर वी आंसर इज नो, राइट। हम लोग NPT साइन नहीं किए हैं फॉर डिफरेंट रीजन, बिकॉज इट इज डिस्क्रिमिनेटरी, इज दैट क्लियर? समझ में आ गया, राइट? हाँ ओके सिद्धि, वॉट इज NPT? NPT स्टैंड फॉर non-proliferation treaty, ठीक है ना, इट्स NPT standing stands for non-proliferation treaty, NPT, राइट, जिसके तहत ये है कि भैया 5 कंट्रीज न्यूक्लियर नेशंस होंगी, बाकी कंट्रीज कैन नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, राइट, एंड इट टॉक्स अबाउट अ ग्रेडेड मेथड ऑफ रिड्यूसिंग वॉरहेड्स, बट इट डज नॉट गिव अ पर्टिकुलर राइट टाइमलाइन ऑन एनीथिंग। तभी इंडिया कहते हैं भाई आपने बिना टाइमलाइन के कैसे कर दिया, आप 5 कंट्री रखोगे न्यूक्लियर वेपन, हम ना रखें। तो इंडिया वॉन्ट्स कि एवरीवन शुड नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन एट ऑल, दैट इज वॉट दे आर ट्राइंग टू से हियर, इज दैट क्लियर? सो वी बिलीव दैट न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट कैन बी अचीव थ्रू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस विद यूनिवर्सल कमिटमेंट एंड एन एग्रीड म्यूचुअल फ्रेमवर्क, इज दैट क्लियर? म्यूचुअल एंड मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क होगा तभी हो सकता है, ठीक है ना। एंड इंडिया की जो न्यूक्लियर वेपन डॉक्ट्रीन है, Does it have no first use? Does it have no first use? हाँ हमारा no first use है, yes we do have no first use, right? We have no first use, right? Any other country which has no first use? नहीं जापान का नहीं है, जापान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। China is the other country, can you imagine? China is the other country which has no first use. रशिया के पास, रशिया ने नहीं रखा है, US ने भी नहीं रखा है, UK फ्रांस ने भी नहीं रखा है, और आपके पाकिस्तान ने भी नहीं रखा है, दे आर लाइक हम तो यूज करेंगे, अपन को न्यूक्लियर मांगता है, ठीक है, बट चाइना इज लाइक हम नो फर्स्ट यूज, सो इंडिया ऑल्सो लाइक नो फर्स्ट यूज, ठीक है ना, राइट। सो मोदी जी ने पानी बोला है, मित्रों अगर आपको न्यूक्लियर वेपन लेना है तो हम भी लेंगे, और अगर आपको खत्म करना है तो सबको खत्म करना है। ऑलराइट मित्रों सबको न्यूक्लियर वेपन खत्म करना होगा, आप रखोगे तो हम भी रखेंगे, ठीक है ना मित्रों, राइट। सो ये है आपका, सो इंडिया नो फर्स्ट यूज को प्रमोट करता है एंड इट्स यू नो इट्स अ की पार्टनर टुवर्ड्स डिसआर्ममेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट इज आर्मी चीफ फॉरेन सेक्रेटरी टू विजिट म्यांमार, ठीक है ना। अच्छा ओके हाँ बेसिकली नो फर्स्ट यूज, अच्छा किसी ने पूछा क्या, मैं क्वेश्चन मिस हो गया, सॉरी। नो फर्स्ट यूज का मतलब ये होता है कि वी विल यूज एज अ सेकेंड रिटेलिएशन, कोई हम पे यूज करेगा तो हम रिप्लाई करेंगे, बट हम पहली बार जाकर के न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे, विल ऑलवेज यूज कन्वेंशनल वेपन, इज दैट क्लियर? ठीक है ना, राइट, दैट इज दैट ओके। फिर आगे आपका आर्मी चीफ फॉरेन सेक्रेटरी टू विजिट म्यांमार जा रहे हैं भाई ये लोग, सो आपके द विजिट इज इम्पोर्टेंट फॉर मल्टीपल रीजंस, बट स्पेशली बिकॉज ऑफ द रीसेंट मोबिलाइजेशन ऑफ मिलिट्री नियर द बॉर्डर विद चिटागोंग। चिटागोंग कहाँ पे है, विच स्टेट हैज चिटागोंग, सॉरी विच प्लेस हैज चिटागोंग,
चिटागोंग बांग्लादेश में, ठीक है ना, बांग्लादेश में चिटागोंग है, ओके। एंड बांग्लादेश की जो बॉर्डर है उस पर अगर चिटागोंग आ जाएगी तो, अच्छा उसके उसके बॉर्डर पर अगर म्यांमार की आर्मी आ जाएगी तो क्या दिक्कत होगी बताओ, वॉट विल बी द प्रॉब्लम देयर, वॉट विल द प्रॉब्लम। दिक्कत ये होगी कि आपकी जो वो है रोहिंग्या, वो आ जाएंगे फुदक करके बांग्लादेश में, एंड देन बांग्लादेश में आ जाएंगे तो कहाँ आ जाएंगे, फुदक करके आ जाएंगे इंडिया में। इंडिया लाइक रोको इनको, नहीं 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 प्लीज प्लीज नहीं, और नहीं चाहिए हमको रोहिंग्या, नहीं चाहिए, गो रोहिंग्या गो, गो रोहिंग्या गो, दैट इज वॉट इंडिया इज ट्राइंग टू से राइट नाउ, राइट, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट दीज इलीगल इमिग्रेंट्स टू एंटर इन टू इंडिया। ऑलरेडी आपके बांग्लादेशी जो लोग आए हुए थे हिस्टोरिकली, दे हैव क्रिएटेड यू नो प्रॉब्लम फॉर द लोकल डेमोग्राफी, एंड तभी ज़्यादा असम अकॉर्ड, असम वायलेंस, एनआरसी इशू, तभी सब उसी का बैकग्राउंड है, ठीक है ना, ओके। सो ये है आपका मेन मुद्दा। नेक्स्ट इज इंटेंस फाइटिंग इन कराबख आफ्टर अजरबैजान ऑफेंस। कराबख कहाँ पे है गाइस, वेस कराबख, ये वही है, पढ़ तो रहे हम लोग इतने दिनों से, नगोर्नो कराबाख रीजन, नगोर्नो कराबाख रीजन है, राइट, जो आपके हमने डिस्कस किया था, आर्मेनिया इधर है, अजरबैजान इधर है, वैसे आजकल हमारे भाईजान आने वाले हैं, राइट, कहाँ पे आने वाले हैं, बिग बॉस, भाईजान बिग बॉस पे आने वाले हैं, ऐसा सुनने में आया मेरे को, राइट, ऑलराइट, सो दैट स्टार्ट हो गया क्या, अरे बाप रे, अच्छा रिपब्लिक टीवी पे उसका ऐड चल रहा था, राइट राइट, सो बिग बॉस चाहते हैं कि आप यूपीएससी का एग्जाम दें, और बिग बॉस चाहते हैं कि आपसे एग्रीकल्चर के सवाल पूछे जाएं, ऐसे ही लग रहा था मेरे को आज के एग्जाम के पेपर को देख करके, व्हेन आई सॉ द पेपर लाइक ऐसा 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 ही फील हो रहा होगा जो एग्जाम दे रहे होंगे, कि बिग बॉस चाहते हैं कि आपसे एग्रीकल्चर के सवाल पूछे जाएं, बिग बॉस आपको चाहते हैं कि आप जाके कन्फेशन में कन्फेस करें जा करके कि आपने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। चलिए, सो कराबख इज इंपॉर्टेंट गाइस, नगोर्नो कराबख रीजन, ये हमने कल ही एक्चुअली इनफैक्ट आपका एडिटोरियल आया था, आपको याद है हमने पूरा डिस्कस किया था इशू, दैट इशू क्या था, ये दोनों आपके एरियाज क्लेम करते हैं एक दूसरे टेरिटरी में, दिस इज आर्मेनिया, आर्मेनिया का ये एरिया है जिसको अजरबैजान क्लेम करता है, और अजरबैजान का ये एरिया है जहाँ पे आर्मेनिया क्लेम करता है, ये लाइक ये मेरा ये तेरा, ये मेरा ये तेरा, सो दे हैव एनक्लेव इशू, दे शुड लर्न फ्रॉम इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश ने कितना वैसे टाइम लगा था, बट इवेंचुअली दे यू नो दे ट्रेडेड एंड एक तरह से एक्सचेंज कर लिए थे दी एनक्लेव्स, राइट, सो उससे बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो जाते हैं। इनफैक्ट व्हाट आई वुड से इज दैट आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स इन द रीसेंट टाइम्स बांग्लादेश के साथ वही एग्जाम्पल है, बाकी तो आप देख लो पाकिस्तान चाइना, राइट, आप नेपाल देख लो, राइट, आपके आई थिंक एक भूटान है, भूटान तो अपना ही है, मेरे को तो बहुत लगता है भूटान जो है वो एक 29 स्टेट का दर्जा दे दो उसको, तो बेचारा आजा भाई अपना अपना ही है तू भाई, अपना ही है छोटा भाई, अपना छोटा भाई है, सो बट ऑब्वियसली एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड वी शुड रेस्पेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ भूटान, दिस वॉज जस्ट फॉर द मैटर ऑफ जोक्स, राइट, इतनी अच्छी हमारी आपसे दोस्ती है कि हम आपको अपना ही मानते हैं, उसको इस तरह से माने, मतलब क्या पता कोई भूटान का इंसान ऑफेंस ले ले, यानी कोई हम आपसे कॉलोनाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, सॉरी भूटान। चलिए ऑलराइट, सो अजरबैजान और ये इनके बीच में लड़ाई हो रखी है, ये एक्चुअली भूटान है ना, भूटान के साथ, भूटान कुड हैव बीन अ टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया ओनली, वो तो ब्रिटिश ने उनको इंडिपेंडेंस दे दी थी ना, आई होप यू गाइस नो अबाउट दैट, म्यांमार भूटान वगैरह को इंडिपेंडेंस दे दी, देयरफॉर वो अलग ही एंट्री बने रहे, फिर म्यांमार का भी नहीं तो म्यांमार भी इधर हो सकता था, म्यांमार को दे दी थी इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, सेग्रीगेट कर दिया था उनको, एटलीस्ट 15 किल्ड, वैसे पता है ये मेरा ओपिनियन है दैट अगर जस्ट इन केस अगर ऐसा ऑल्टरनेट रियलिटी होती जिसमें म्यांमार वुड हैव बीन पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का बहुत फायदा होता, आप इमेजिन कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो विसिनिटी में थाईलैंड सिंगापुर
मलेशिया इंडोनेशिया सब अपने पास ही, और कोई एक कोई वो जगह नहीं जहां पे आपके वो टेरर आउटफिट्स रह सकते हैं। टेरर आउटफिट्स जो है, क्योंकि वहां पे आपका जो इतना अननेचुरल तरीके से बांटा गया है ना वो, क्योंकि इट्स अ वेरी अननेचुरल बाउंड्री, राइट? दोनों ट्राइब्स को भी बांट दिया आपने बीच में से, ठीक है? सो आसियान कनेक्टिविटी, हमारे जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी वगैरह काफी अच्छी हो पाती। एक्ट ईस्ट पॉलिसी वुड हैव बीन यू नो वेरी, बट वही है ऑल्टरनेट रियलिटी, ठीक है? वैसे पता है कभी कभी ये ऑल्टरनेट रियलिटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑल्टरनेट रियलिटी नहीं कहते हैं, बट ऑल्टरनेट हिस्ट्री कहते हैं इसको। डू यू नो व्हाट इज दिस ऑल्टरनेट हिस्ट्री? ये ऑप्शनल में पढ़ते हैं हिस्ट्री के, हिस्ट्री ऑप्शनल, जिसका ना आप लोग पढ़ते होंगे ये चीज, ऑल्टरनेट हिस्ट्री। यू नो व्हाट इज ऑल्टरनेट हिस्ट्री? ऐसा कि अगर गांधी जी नहीं होते तो हिस्ट्री में क्या होता, तो एनालिसिस ऑन दैट, तो उसके अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, ठीक है? अगर ये नहीं होता तो क्या होता, अगर नेहरू जी नहीं होते तो क्या होता, अगर पार्टीशन नहीं होता तो क्या होता, समझ पा रहे हो? तो दिस इज देयर इन दी आपका हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। दिस इज देयर वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल वगैरह, बिकॉज दिस इज इनफैक्ट अ वेरी गुड यू नो थिंग टू एनालाइज अबाउट। अगर ये नहीं होते, अगर ये इवेंट नहीं होता तो हाउ इज इट अ यू नो, इमेजिनेशन बेस्ड होता है काफी, बट उसमें व्यू पॉइंट्स होते हैं अलग अलग थिंकर्स के, आप अपनी मर्जी से नहीं लिखते, ठीक है? हाँ, वो ऐसे ही सवाल, सुभाष चंद्र बोस फर्स्ट पीएम होते, सरदार पटेल होते, या आपके गांधी जी जिंदा होते तो क्या होता है, दीज थिंग्स आर देयर इंटरेस्टिंग, एंड दीज आर थिंग्स टू पॉन्डर अबाउट ऑल्सो, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स टू पॉन्डर अबाउट। अब ठीक है, अब हो गया, समझ गए, समझ गए एग्जाम्पल्स। हाँ, ओके, ओवर डू नहीं करना चाहिए एक टॉपिक को। चलिए, ये तो भाई हो गया फिर से। इसमें तो मेरे को लगता है कि अब आप ही लोग प्रिडिक्ट करने लग जाते हो। एटलीस्ट 15 किल्ड इन अफगान बॉम्ब अटैक, चल रही इनकी पीस, ये इनकी अफगानिस्तान और इनका क्या कहते हैं, अफगानिस्तान और तालिबान की जो पीस डील है वो उतनी ही पीस डील है जितना सोशल डिस्टेंसिंग क्लासरूम में यूपीएससी के सेंटर में रखा जा रहा था, ठीक है ना? ये दोनों बराबर सही फील हो रहे हैं सुन करके। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच। अरे सो तालिबान जो है अभी लोग वैसे, वेर आर दी टॉक्स फॉर देयर यू नो पीस पीस कमिंग हो कर रहे, दोहा, राइट? दोहा, राइट? सो दोहा सिर्फ कबीर के नहीं होते हैं, दोहा एक कंट्री भी होती है, एक जगह भी होती है, राइट? सो दोहा इज ऑल्सो अ प्लेस। एंड आपके, अच्छा, वो सवाल आया, आई थिंक सम ऑफ यू माइट हैव गॉट इट राइट, अमर सिंह एंड कालिदास, कालिदास तुलसीदास, तुलसीदास, उसके भाई सवाल आए थे, आई थिंक दैट सम, अगर हिस्ट्री पढ़ा है दैट वाज आई थिंक समथिंग विच यू कुड हैव गॉट राइट, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो, ठीक है? ओके, ऑलराइट। सो नेक्स्ट इज, जर्मनी कॉल्स फॉर ईयू सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया, व्हाई व्हाई डज जर्मनी वांट सैंक्शन अगेंस्ट रशिया, रूस रूस के खिलाफ क्यों, एनी आइडिया? वो है ना, कौन है, एन नावेलनी, नावेल ना ना हाँ नावेलनी, यस नावेलनी, ये कौन है भाई, हु इज नावेलनी, मिस्टर नावेलनी? जस्ट अ सेकंड गाइस, हाँ व्हाट, हाँ ये ऑपोजिशन लीडर थे, इनके ओपोनेंट थे आपके क्या कहते हैं, पुतिन, पुतिन जी के ये ओपोनेंट थे, एंड पुतिन जी के ओपोनेंट जो हैं उनको उनके खिलाफ अपेरेंटली एलिजेडली, मैं ऐसे टर्म यूज करता हूँ, रशियन नर्व एजेंट वाज यूज, नोविचोक, अभी नाम इंपॉर्टेंट है गाइस, ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन, आप समझ रहे हो, आज के पेपर से आपको रिलाइज हो गया होगा, इनफैक्ट ये तो ट्रेंड है, दिस इज नॉट समथिंग न्यू, बट ऐसे सवाल आ जाते हैं, नोविचोक इज विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट? सो आ जाएगा, इट्स अ नर्व एजेंट, इट्स अ केमिकल, इट्स अ दिस, इट्स अ दैट। अब आप देखो, अब दिक्कत क्या है, आपको लगता है नोविचोक की न्यूज अब से 1 साल बाद रहेगी, नोविचोक की न्यूज के 1 साल बाद रहेगी? द आंसर इज नो, राइट? बट वो आपसे सवाल पूछ लेंगे और आपको उस समय याद नहीं आएगा, आपको अभी लग रहा है अरे इतना ईजी है सर, क्या बात कर रहे हैं, रोज तो सुन रहे हैं। दिक्कत क्या होती है, रोज अभी सुनते हो ना, वो 1 साल बाद भूल जाते हैं, तो उसको जो है तभी वो मंथली कंपाइलेशन वगैरह काम आती हैं, सो दैट यू यू रिमेंबर दीज थिंग्स, इज दैट क्लियर? ठीक है ना?
नोवी चौक इज द नर्व एजेंट, सो इस बेसिस से बोला गया है कि भाई आपने अपने ओपोनेंट को मरवा दिया है नर्व गैस एजेंट को यूज करके, सो इसलिए अब हम चाहते हैं कि यू सैंक्शन लगा दे आपके रशिया के खिलाफ, तभी इट्स अनप्रिडिक्टेबल, प्रति क्या एक दो बार क्लिक करोगे वो चल जाएगा। एंड अदरवाइज गाइज आप एक यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, नेम ऑल्सो बता देता हूँ, यूपीएससी सीएसई प्रेपरेशन विद वेंकटेश चतुर्वेदी, ठीक है ना, इस सिंपली नाम मेरा वेंकटेश चतुर्वेदी सर्च करोगे ना मिल जाएगा आपको। ओके नेक्स्ट आर्टिकल, सुडान रिबल ग्रुप्स इंक लैंडमार्क पीस डील, वेयर इज योर सुडान, सुडान कहां पे है, सुडान इज इन अफ्रीका एंड सुडान टाइप ऑफ क्लाइमेट आपने पढ़ाई होगा, सुडान टाइप ऑफ क्लाइमेट इज द सवाना, सवाना होता है, तो सवाना में क्या होता है, यस गाना भी दिमाग में आ सकता है आपके, सवाना ऊना ना, ओके तो सवाना ऊना ना जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज बेसिकली ग्रासलैंड, इट्स अ ग्रासलैंड एंड दैट पर्टिकुलर ग्रासलैंड बेसिकली हैज कोर्स ग्रे कोर्स ग्रास, राइट, ओके कोर्स ग्रास एंड इज इट गुड फॉर फॉडर, क्या वो फॉडर के लिए अच्छा होता है, इज दैट पर्टिकुलर ग्रास गुड फॉर फॉडर, द आंसर इज नो, आपकी स्टेपीज के जो ग्रास होती है वो अच्छी होती है फॉडर के लिए, दिस इज नॉट गुड फॉर फॉडर, ठीक है, एंड थोड़ा ड्राई सा वेदर होता है, समर्स में थोड़ी बारिश हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट मेथी टू सीक, अच्छा सॉरी न्यूज, मेन न्यूज तो पढ़ लें, सुडान बेसिकली क्या ना, सुडान में रिबेल्स है वहां पे, ठीक है, सो वहां पे क्या है, सुडान गवर्नमेंट एंड रिबेल ग्रुप हैव इंक द पीस डील, तो यहां पे पीस डील हो रही है, to put an end to the country's decade-long civil wars. Saturday's official signing of Juba sealed the deal, which the Sudanese government had with the Sudan Revolutionary Front. कौन सी वाली क्लास में शिवम, मैं समझा नहीं किसकी बात कर रहे हैं आप, 10 समझा नहीं किस चीज में, किसके बारे में समझा नहीं, मैं किस चीज की बात कर रहे हो, किस चीज के बारे में मैंने क्या बताया था, आई डिड नो, मैं बिल्कुल कैच नहीं कर पाया शिवम, ओके आप लिखिए तब तक बात आगे बात करते हैं। सुडान रिबल ग्रुप जो है उनने लैंडमार्क पीस डील साइन की, भाई इस समय वैसे पीस डील बहुत हो रही है ये आप देख सकते हो, मुझे क्या लगता है ना, इनको लगता है भाई लड़ेंगे लड़ेंगे तो वैसे ही मतलब कोरोना से आप मर रहे हैं तो बच जाते हैं, थोड़ा पीस ही कर लेते हैं जब तक कोरोना चल रहा है, छोड़ो यार बाद में लड़ेंगे, पहले कोरोना से लड़ते हैं उसके बाद आपस में लड़ लेंगे, सब जगह इस समय पीस पीस चल रहा है यार, और नहीं अभी अभी अभी, अभी ट्रंप आ जाएंगे, ट्रंप कहेंगे अरे मैंने कराया था, वो कहेगा अच्छा बता मेरा नाम क्या, बता बता मेरा नाम क्या है, ओ I don't know your name, but I know that this is the Nami. Yeah, we had our agents there and we have done it. It was big and beautiful. Very nice. Very nicely we have done it. ठीक है ना भाई, तो कह भाई मेरा नाम बता क्या भाई, मेरा नाम क्या बता पहले कि तूने पीस डील करा दिया अगर ट्रंप इज लाइक मैंने कराए मुझे नोबेल पीस प्राइज दे दो प्लीज ओ भाई साहब हाँ वो तो यार दैट वॉज द प्रीवियस इस आज के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन था, 9 o'clock वाली क्लास आज के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन था यूपीएससी पेपर का। नेक्स्ट मेथी टू सी कैबिनेट नॉड, हाँ एक प्रतीक सही बात है, आर्मेनिया अजरबैजान, नहीं वहां पे भी तो कल न्यूज आई थी ना प्रतीक, याद नहीं मैं तो इसी कॉन्टेक्स्ट में और कर रहा हूँ ना, कल ही तो न्यूज आई कि आर्मेनिया ने बोला कि वी आर ओपन टू मीडिएशन, तो यूएस आ जाएगा अरे मैं मीडिएट करूंगा भाई, मौका मौका मौका, राइट, सो दे आर लुकिंग फॉर मौका टू फाइंड अपॉर्चुनिटी फॉर द पीस डील टू हैपन, इनफैक्ट आई डोंट, दिस इज अब वो होता है, दिस इज जस्ट अ वेरी रैंडम हाइपोथेसिस बाय माय एंड, दिस कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग ऑल्सो, बट हु नोज दैट ये इनके बीच में एक होता है ना कि झगड़ा पैदा कर दिया ताकि झगड़े दो चार दिन झगड़ेंगे फिर आगे कहेंगे मैं सुलझा रहा हूँ, रुक जा तुम्हें रुक जा, तो यू नेवर नो समटाइम्स आपके जो बिग 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 बुलीज होते हैं दे डू दीज काइंड ऑफ मनूवर्स ताकि झगड़ा हो और झगड़े से फिर फायदा तीसरे का हो,
वो तो ना दो बिल्ली के झगड़े में बंदर का फायदा, वो अगर कहावत सुनी आप लोगों ने, ठीक है ना। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग इज इंटरेस्टिंग। मतलब दिस इज जस्ट अ वेरी रैंडम हाइपोथेसिस बाय माय माइंड, आई माइट बी कम्प्लीटली रॉन्ग ऑल्सो, डिस्क्लेमर यू नो, बट दिस इज वॉट वी आर लुकिंग एट राइट नाउ, दैट दीज डेवलपमेंट आर देयर। सो मेथी टू सी कैबिनेट नॉट फॉर पॉलिसी ऑन ए आई बेस्ड सोल्यूशन। आज सवाल आया था ए आई के ऊपर, वैसे इजी सवाल था, ए आई के ऊपर सवाल आया था। इट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, एंड वो सारे सही थे, स्पीच टू टेक्स्ट, वो कमिंग अप विद न्यू स्टोरीज, ऐसे सब जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगता ही था। सो दैट वॉज करेक्ट, ऑल वर करेक्ट। IT मिनिस्ट्री इज लुकिंग टू यूज AI फॉर एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स सच एज लैंग्वेज बैरियर। देखो आज आज का पेपर में आया है इसी के ऊपर आर्टिकल, और आज ही एक ऑप्शन था ये, दैट आर फेस्ड बाय इंडियंस इन कम्युनिकेशन, ठीक है राइट। हाँ, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वगैरह भी उसमें ऑप्शन थे, करेक्ट। सो यही बोला गया है। अच्छा, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है, माई गॉव, वॉट इज माई गॉव, माई गॉव क्या है, mygov.in की बात हो रही है, जो वेबसाइट है mygov.in, जहाँ पे आप अपनी व्यथा को बता सकते हैं। मुझे नहीं पसंद आया ये, मुझे पसंद नहीं आया ये, इट्स एन ई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, इट्स अ पोर्टल, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फिर और क्या है इसमें, एक और चीज मीती तो पता होगा, इट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड योर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। ऑलराइट, सो मीती टू सीक नॉट फॉर द पॉलिसी ऑन एआई बेस्ड सॉल्यूशंस इंपॉर्टेंट है काफी। फिर थैंक यू प्रतीक, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप प्रतीक फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं क्या, आर यू अटेंडिंग द क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम? ओके, ग्रेट ग्रेट। चलिए, सेंचुरी ओल्ड डेटा हेल्प मेजर द सन्स मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, सन जो होता है, अच्छा एक आपसे सवाल पूछता हूँ, सन जो है, दिस इज सन, सो सन का इंटीरियर का टेम्परेचर अगर एक्स है और सन के एक्सटीरियर सरफेस का टेम्परेचर अगर वाई है, तो इज एक्स ग्रेटर और वाई ग्रेटर, एक्स ग्रेटर है कि वाई ग्रेटर है? हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वाई इज ग्रेटर देन एक्स, सन का सरफेस इज ग्रेटर, इज हैविंग higher temperature than your you know your interior of the of the sun, core से core का core ठंडा है, right? So अब क्या, अब उसके अलावा एक होता है sun का magnetism होता है, right? Sun का magnetism है, sun has magnetism, ठीक है ना। Does earth also have magnetism? क्या earth का भी magnetism होता है? Yes, earth also have magnetism. अच्छा, अर्थ का मैग्नेटिज्म, डज इट प्रोटेक्ट द अर्थ एटमॉस्फेयर? वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करता है, द आंसर इज यस। इनफैक्ट क्या होता है, सन जो है ना वो कुछ चीजें फेंकता है, सन क्या फेंकता है, सन फेंकता है आपका सोलर विंड्स, दीज आर आयनिक चार्ज्ड, ये आयंस और चार्ज्ड पार्टिकल्स की लहरें होती हैं, राइट, जो आपकी अर्थ की तरफ आती हैं, और हमारा जो मैग्नेटिज्म है वो इनको डिफ्लेक्ट कर देता है टुवर्ड्स द पोल्स, तभी आपको पोल्स में क्या दिखता है, यू गेट ऑरोरास, ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा ऑस्ट्रिस, राइट। ओके, सो ये ऑरोरा जो होते हैं ना, नॉर्दर्न लाइट, सदर्न लाइट्स, ओके राइट, सो दीज लाइट्स आर देयर बिकॉज ऑफ द सोलर फ्लेयर्स बीइंग, सोलर विंड्स बीइंग डाइवर्टेड बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल पूछूं, does true or false, all the clouds in the earth's atmosphere are concentrated in the troposphere only? False, yaad rakhiyega, theek hai, it's a false statement, because your, do we have stratospheric clouds? Kya hame stratospheric clouds hote hain? Bilkul hote hain, bilkul hote hain, bilkul hote, yes, stratosphere has clouds, theek hai। By the way, एक सेकंड पूछता हूँ फिर, एक ये वाले होते हैं, हैव यू हर्ड ऑफ, चलिए सर, 2 मिनट्स रिमेनिंग आर, क्योंकि आज से न्यू बैच शुरू हो गए। ओ यस,
चलिए सो ये है। बाय द वे गाइस, ये कोडाई कनाल कहाँ पे है? सो वहाँ पे एक आपका कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी का डेटा है। वेयर इज दिस कोडाई कनाल? इज इन तमिलनाडु, तमिलनाडु कोडाई कनाल, राइट? कोडाई कनाल इज आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी फेमस टूरिज्म टूरिस्ट हॉट प्लेस ऑल्सो। मुझे याद है काफ़ी लोग बैंगलोर से कोडाई कनाल जाते थे, यू नो आपका वीकेंड्स गेट अवे टाइप्स, गोवा कोडाई कनाल, एंड आई हैव हर्ड दैट यू नो इट्स अ गुड प्लेस आपका फॉर टूरिज्म पर्पस। हिल स्टेशन है ना, मेरा हिल स्टेशन है शायद, वहाँ पे सोलर ऑब्जर्वेटरी है। सर न्यूज़ बैकग्राउंड समझने के लिए अभिनव, यार देखिए उसका कुछ, देखिए दो तरीके होते हैं न्यूज़पेपर समझने के। एक होता है बस पढ़ना शुरू करो, जो समझ में आ रहा है समझो, ओवर द टाइम अपने आप समझ में आने लग जाएंगी चीज़ें। दूसरा स्टैटिक पोर्शन पढ़ते रहिए, स्टैटिक पोर्शन पढ़ते रहिए तो अपने आप धीरे धीरे चीज़ें आएंगी। अच्छा क्या होता है रेपो रेट, क्या होता है MSF, क्या होता है रिवर्स रेपो रेट, ये सब टर्म जब धीरे धीरे आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ोगे देन यू विल बी एबल टू बेटर रिलेट, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया आपका, अब ये बाकी बचे हुए बाकी कल करें, FAQs बचे हैं, एक आध दो अच्छे FAQs हैं, सो लेट्स डू देम टुमारो। आज वैसे भी हमारा आज के न्यूज़पेपर के एनालिसिस में भी काफ़ी डिस्कशन हो गया था, एंड सम ऑफ यू माइट बी टायर्ड ऑल्सो बिकॉज ऑफ गिविंग द एग्जाम। सर नोट्स मेकिंग और मेंस में न्यूज़ से लिया कैसे लिखा जाए? अच्छा बाय द वे गाइस, अरे जाइए मत प्लीज गाइस, एक सेकेंड प्लीज, एक सेकेंड, टू अनाउंसमेंट्स। टुमारो वी वुड बी स्टार्टिंग विद द मेंस आंसर राइटिंग कोर्स, फ्री मेंस आंसर राइटिंग डेली ऑन वेयर, कहाँ कहाँ स्टार्ट करेंगे? विल बी स्टार्टिंग इट ऑन आवर यूट्यूब चैनल राइट UPSC, WRITE UPSC, राइट UPSC चैनल पे कल स्टार्ट करेंगे। सो विल डू बोथ, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको अभी प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है अगले साल के, तो विल कंटिन्यू विद द प्रीलिम्स आंसर, प्रीलिम्स ऑल्सो, ठीक है, एंड ऑल्सो विल स्टार्ट विद द आंसर राइटिंग, ठीक है ना। अच्छा जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट शेयर द लिंक ऑफ द चैनल, ये है आपका लिंक ऑफ द चैनल गाइस, कैन यू गाइस सी दिस? यार आज क्विज नहीं हो पाएगा प्रिया, कल से सब शुरू करेंगे, राइट? आज एक्चुअली आज के पेपर का एनालिसिस करते करते तीन हमारे छः घंटे तो उसी में निकल गए थे, दोपहर से बैठे हुए हैं हम लोग, एंड वी हैव बीन लुकिंग एट दी क्वेश्चन पेपर, फिर उसका सेशन लेना, दो तीन सेशन उसके लिए, सो लिटिल टायर्ड, राइट? कल से करेंगे, ठीक है ना। ऊपर लगा दिया है, सो दैट इज द चैनल, इस पर हम लोग आंसर राइटिंग कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। राइट, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस।